अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग हम आज इधर से शुरू करते हैं। अभी टाइम है 5:47 AM और हम तैयार हो रहे हैं, हमारी डंकन पे पहुंच भी गए। इधर से हम थोड़े से ड्रिंक्स उठा रहे हैं, निम्रा के लिए एक चॉकलेट डोनट विद स्प्रिंकल्स, हर फेवरेट। एंड अब हम देखते, इसके बाद फिर हम थोड़े से लोगों को उठाएंगे और उधर जाके फिर हम फिशिंग बोट पर जाएंगे। फिशिंग बोट पर हमने एक पार्टी बस पे एडमिशन ली, तो उधर हम देखते हैं कि उधर क्या होता है, क्योंकि हम नॉर्मल बोट्स पे तो गए पर इस दफ़ा हम किसी के बर्थडे के लिए जा रहे हैं। और एहतशाम भी आ गया ड्रिंक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है दोनों कि कितने फिशेस पकड़ेंगे आज? आज उम्मीद तो है काफ़ी सारी पकड़ेंगे। निम्रा, तो बोट ट्रिप है, कोई फिशिंग पियर ट्रिप नहीं है जी, लेकिन देखते हैं आज क्या लगता है। निम्रा, हम नहीं फिश ही करेंगे। कितने? पांच। वाह, चलो अब हम तीनों के साथ आके देखते। हम दो लोगों को प्लेट उठाएंगे, फिर हम उधर सीधा जाके आप सबको दिखाते हैं। और हम ये इस बोट पे कभी गए नहीं इस लोकेशन पे, तो अब हम इनको देखते हैं कि पहले दो तीन बोट्स के साथ इनके डिफरेंस क्या है, तो उधर जाके मिलते हैं। अब ये हम उस जगह पे पहुँच गए और इनकी व्यू इस तरह की है। तो मुझे लगता है हम सारे इस पॉइंट से आ जाएंगे और इधर तक हम नीचे जाएंगे बोट को एंटर करने के लिए। और अभी टाइम हो गया 7:11, हमारा बोटिंग के टाइम होगा 7:30, तो अब हम वापस जाके देखते हैं। और इधर आप बोट रेंटिंग भी कर सकते हैं। I think you're a little too young, Choni. तो इधर से आप बहुत रेंट कर सकते और फिर पानी में जाके उसको राइड कर सकते। अब हम सारे जा रहे हैं बोट की तरफ, काफ़ी सारे लोग हैं मेरे पीछे भी जी। पानी over there. और मौसम आपको नज़र आ रही होगी कि बादल ही है बहुत, तो बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो हम इधर से नीचे जाएंगे। ये हमारा बोट है, अब इसकी बोर्डिंग करते हैं। ओके, ये हमारा सीट होगा आंटी अलेक्सा के साथ। यू गाइस रेडी? जी। और हम अंदर के शेयर करवाते हैं। अब अंदर वाला पोर्शन के अंदर इस तरह की सीट्स हैं, इधर लोग ने खाना लेके आके रख लिया उन्होंने, और इधर से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। इतना ज़्यादा सामान नहीं मिलती क्योंकि शॉर्ट ट्रिप है, तो ये इनके प्राइसेस जो इनकी चीज़ें हैं। तो ये सही रहता। ओह, देयर इज अ टॉप लेयर, कम लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी। ओह, दैट्स वेयर द पीपल डोंट टच इट दैट। दैट्स कूल राइट? ऑलराइट, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ये सही रहता कि अगर किसी को बाहर जाके उनको इनकी तबीयत खराब हो जाती या बहुत ठंडा या कुछ, फिर ही अंदर आके आराम कर सकते हैं। फिर हमने दो जैकेट्स भी उठा लिया था, अगर बारिश होगी फिर हम ये जैकेट्स उठा सकते हैं। और साथ में निम्रा के एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक ब्लैंकेट है, अगर ज़्यादा ठंड होगी निम्रा के जैकेट भी इसके अंदर है। और फिर आंटी अलेक्सा एक बुक के साथ आ गई थी,
I Am Watching You by Teresa Driscoll. और फिर हम बाद में ऊपर वाला पोर्शन के भी शेयर करवाते, ऊपर से व्यू दिखाते कि क्या है, कैसे लगेगा। और ये है बिल्कुल एंड ऑफ द टिप बोट है। ओह, हम चले भी गए, अब हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, पीछे से देखते हैं क्योंकि मुझे लगता है हर कोई तो पीछे आ गया। हाँ, पीछे आ गए सब। तो अब इधर से हम व्यू देखते हैं। मैं आप सबको इधर से भी व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह ना, मौसम बहुत प्यारा है। और हमारा टाइमिंग भी अब 7:30 हो गया। अब आपके ऊपर वाले टूर करवाते तो ये दो लाइट्स हैं, इधर लाइफ जैकेट्स होते हैं, लाइफ जैकेट्स, एक बड़ा वाला लाइफ जैकेट बॉक्स है, ये इमरजेंसी वाले बोट्स हैं, और अंदर ये कैप्टन बैठा है जो बोट को चला रहा, अमेरिकन फ्लैग, मोर लाइफ जैकेट्स। और ये इनकी सीटिंग है इधर, एक दो तीन, तीन रोज इस साइड पे, तीन रोज इस साइड पे। और फिर नीचे आप देख सकते हैं कि एक नेट लगी होती एक इस साइड पे, और हम इस साइड पे ढूंढते हैं इसकी नेट, इधर पीछे है। हाँ जी, दीज आर बोट्स। सो ईच बोट के ऊपर 22 पीपल जा सकते हैं। ऊपर देखती हूँ, कर दिखा सकती हूँ। एक फिश पकड़ लिया, नाइस जॉब। Nice job. Good awesome job. Fish. Whoa. Take a picture. Nice, nice. Very slippery. What kind of fish is it? This is a fluke. This is like you heard third fluke she got so far. Nice job. Awesome. Awesome. Gonna touch it? Slimy. Touch the back, it's a little rougher. Isn't that very cool? You want to throw them back? Here, hold it and throw it back. Hold it and throw them back. Take two hands under like me. Two hands out. There you go. Yeah. Put it back in the water. Nice! Awesome. Good job. Thank you. First fish on the boat. Showing you guys how it's done. He's probably like, what the F? Got it. Here's a fucker, should I try to take the hook out? No, I got it. Okay. Okay. मौसम इतना तेज हो गया बारिश की कि अब थंडर मुझे लगता है पीछे एक आवाज़ में आ जाएगी थंडर की। हम वापस बाहर आ गए क्योंकि अब बारिश की मौसम हो गया पूरा टाइम। तो अब हम मज़ा करके फिशिंग कर रहे हैं इधर, और हर कोई पांचो पहन रहे, और थंडर की आवाज़ भी में भी आप लोगों को आ जाएगी बैकग्राउंड वॉइस में।
बैकग्राउंड नॉइज में। तो इस मौसम का मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे रेन को बहुत पसंद है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा व्लॉगिंग कर सकती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी पानी के साथ भर जाएगा, और बेहतर है कि मैं अपना मोबाइल अपने जेब में रखूँ। तो हम बाद में दिखाते कि हमने कितने फिशेज पकड़े, और अगर मुझे मौका मिल गया उसको करने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं तो एंड पे दिखाते हैं। और आपको नज़र आ रही होगी कितना आठ तेज हो गया पहले से, और अभी इतने सारे लोग भी नहीं हैं क्योंकि काफ़ी सारे तो अंदर जाके बैठते हैं। ये नया एक्सपीरियंस है बारिश में फिशिंग। मैंने जो है वो एक फिश पकड़ी है, उसका नाम है बोर्गी। तो बारिश हो रही थी, थंडर स्टॉर्म था बहुत ज़्यादा, और अतः शाम तो वैसे इतना दूर था मेरे से, और फिशिंग के टाइम पे 5-10 सेकंड लगते हैं, तो मुझे इतना मौका भी नहीं मिला देखने के लिए। पर ये बारिश हो रही थी, अब मौसम सही हो रहा है, आई होप कि हम ज़्यादा फिश पकड़ेंगे। अब दिखाते हैं कि ये इसकी फिश की तरह। ओके, तो अतः शाम की फिश ये थी और हम उसको रख भी सकते, थैंक यू, इसको रख भी सकते हैं। तो आज हम बोर्गी और फ्लूक खाएंगे। सो फार मैंने दो फ्लूक्स पकड़े, एहतशाम ने एक बोर्गी पकड़ा और निमरा ने एक फ्लूक पकड़ी, और सबसे सक्सेसफुल बोट ट्रिप हमारी यही थी क्योंकि 2 साल में मुझे फिश नहीं लगे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वाले ट्रिप पे। अब हम आगे जाके देखते हैं कि और क्या पानी पे। अब मौसम भी बहुत अच्छा हुआ, सन भी निकल गया, तो अब थोड़ी देर में मैं अपना रेनकोट भी उतार दूंगी जब ज़्यादा सूख जाएंगे हम। अब तो शाम एक फिश पकड़ा, ओए होए Look, he got one. Watch out, guys. Everyone else. Watch out. That's a keeper. Nice. Woo! Nice job. Oh, no, no. Nice. Love the goal. Look at that one. At the shop. It's okay, just wait. The pole's in the way. Oh, you can give a measure. Okay, ab measure karke dekhenge. Seventeen. Isn't that a keeper? Not a keeper. Ah, man, 2 inches short. Nice job. All right, go ahead, throw it in the water. So what's the size? 17. Nimra ne phir se, woo, Nimra ne phir se fluke pakad liya. Nice job. Nice job. This one's undersized too, right? Okay. Yeh bhi undersized hai, so usko phir se pani mein phangna hoga. Nimra. What? That's two for you. Yeah. Oh, seems like you're the best fisher woman here. अब ये 2 आवर्स हो गए हैं कंप्लीट, और 2 आवर्स जो है वो लेफ्ट हैं। 12 बजे हमारी टू फिश पकड़ी हैं, मैंने 2 पकड़ी हैं, निमरा ने 2 पकड़ी हैं, रोमांचवी ने 2। अब 2 आवर्स जो है वो बाकी हैं, देखते हैं कि उस पर कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं, कौन विन करता है।
अब हम वापस जा रहे हैं जिधर हम आए थे उधर लॉन्चिंग का एरिया है बोट का, यहाँ जहाँ ये पार्क होगी। उसके बाद अभी हो रहे हैं हमारे पास 12:20 मे बी हम रेस्ट करेंगे 1 आवर उसका, किसी होटल पे रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम फिशिंग पियर पे। तो मुझे उम्मीद है कि फिशिंग पियर पे हम कुछ ना कुछ लाजमी पकड़ लेंगे, तो जब लगेगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम निकल गए बोट से और अब हम वापस जा रहे हैं, और ये सारे लोग थे जो हमारे साथ बोट में थे वो सब इतने नाइस थे। एक को पता चला कि निमरा भी आ रही थी साथ, तो उन्होंने निमरा को बबस दी और खाना भी ला के रखा था उन्होंने, कॉफ़ी भी। तो अब इंशाल्लाह हम एक दफ़ा इनके एक और ट्रिप के प्लान करते बोट पे और उनके साथ आ जाएंगे। टोटल में मुझे लगता 26 लोग थे, उन्होंने पूरा बोट को रेंट किया था किसी के बर्थडे के लिए, फिर हम भी साथ गए। ये वो फिश था जो अता शाम ने पकड़ा था, ये कीपर साइज थी। तो अब हम 8 inches, तो इसके साइज 8 inches होने चाहिए, फिर ये कीपर वाला होगा। पर ये हम आंटी अलेक्सा को देंगे, वो पका के खाएगी, और हम फिशिंग पियर से देखते अगर हमने कोई फिश पकड़ लिया। अब निमरा एक फिश पकड़ लेगी अपने बाबा की फिशिंग पोल के साथ। लुक, नाइस जॉब निमरी, गुड जॉब। Okay, I'm going back. All right, go ahead. Bye, fish. How do you feel? My bill caught a fish. Let's go. Guys, I got a float. चल निकाल निकाल बाहर निकाल इसको. Let's go. My first float. मेरे साथ मैचिंग कर रही है।